एक तो धोटी की बनावट, हाँ जी एक ब्यूटी, हाँ और मिल्क में भी ये मान के चलो भगवान यार बहुत बढ़िया लगेगी। क्या रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं? एक और जो फर्स्ट टाइमर जोटी है भाई ने जो तैयार करी है वो भी कचड़ी पाली थी, उसको भी दिखाएंगे, ऑर्डर दिखाना एक बार। लेना देना अगले मान सम्मान बिल्कुल कराएंगे। अच्छा। दिल खुश होकर कराएंगे, दिल खुश होकर। हाँ। करोगे तो बहुत बढ़िया। कई भाई आगे लाल मोरी वाला ने के बम बाट रखे। हाँ वो बात बता। एक और जोटी है भाई जो ये भी फर्स्ट टाइमर है और काफी हैवी वेट की है, उससे भी हैवी वेट की और बड़ी शानदार पीठ पुट्ठे की क्वालिटी है जोटी में। रोकना भाई एक बार। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज की वीडियो भाई इस्माइला गांव से लेके आए हैं और काफी खास वीडियो है। एक युवा साथी, युवा पशुपालक से आप लोगों को मिलाते हैं और आप लोगों को इसके द्वारा ये पता चलेगा कि कई भाई हैं जो मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं, भाई हम पशुपालन का काम कैसे शुरू करें। तो इस भाई से भी आप सीख सकते हो कि भाई अपने पशुपालन को कैसे तैयार कर सकते हैं और अच्छा मुर्रा का धन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार। क्या नाम है भाई अपना? पहले नाम प्रदीप। कौन सा गांव पड़ता भाई? इस्माइला गांव। इस्माइला सापला के पास। सापला के पास। सापला से कितनी दूर पे? 3 किलोमीटर। और भादरगढ़ दिल्ली कितनी लग जाती है? भादरगढ़ 23 किलोमीटर, रोहतक भी 23 किलोमीटर। रोहतक भी 23। और दिल्ली? दिल्ली तो 60 किलोमीटर। अच्छा, लगभग बीच में है भाई। ये कहने का मतलब दिल्ली वाले रूट पे जाते हैं तो उधर ही ये रोड के लगता गाँव है। तो कितने पढ़े लिखे भाई? 10वीं करी थी भाई। 10वीं करी थी। फिर अभी क्या काम करते हो भाई साहब? यो एक काम कर रहा है। यो एक काम करो, डांगाडोर का। डांगाडोर का जमींदार अपना। अच्छा, क्या किले बो रखे भाई खेती बाड़ी के? 8 किले भाई साहब अपने। खुद है वो? खुद है वो। अच्छा, खेती बाड़ी बढ़िया? हाँ बढ़िया भाई। तो पशुपालन का शौक है भाई साहब बचपन से ही है। अच्छा, भैंस रखते थे? हाँ बचपन। अभी भैंस तो एक भी नहीं दिखाई दे रही, छोटी छोटी दिख रही। भैंस तो इनकी माँ दे दी है। माँ दे दी थी? हाँ अभी ये छोटी छोटी रही। तो कितने दूध की भैंस रखी भाई? भाई साहब अभी तो 18 की, ये पहली थी 18 वाली हम पास हुई थी। 18 KG पास हुई थी। हाँ। तो आज जो आपके पास दो हम वैसे देख रहे हैं खर की झोटी, फर्स्ट टाइमर होंगी दोनों? हाँ, फर्स्ट टाइम। बहने वाली हैं? हाँ, बहने वाली होती इसके। तो आपने कितनी बड़ी बड़ी पाली दी है? ये तो साल भर की, यह तो बचपन से ही है, यो अभी लेके आया था। अभी लेके आया था कटड़ी? हाँ, पाली दो साल की लेकर। आपके आके इधर गए अपन हुई? हाँ इधर आगे हुई थी। तो आप दोस्तों सुन सकते हो, भाई ने छोटी कटड़ी अपने खुट्टे पे लाया, उनको तैयार किया और आज किस लेवल की है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा खोल के। एक बार इस फर्स्ट टाइमर को खोल के दिखाएं भाई। तो ये देखें भाई, फर्स्ट टाइमर जोटी है, सिंगों की बनावट है। अगर शरीर की बनावट की बात करें तो देखो काफी अच्छा जो जोटी का अभी बहने का बहुत टाइम है और अडर साइज अभी से खोलना शुरू कर दिया है। और थनों का देखो अगर स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छा स्पेस बनाई हुए है भाई जोटी, और उम्मीद कर सकते हैं अच्छी जोटी निकल के आएगी। और शरीर की बात करें तो काफी भारी बॉडी की और अच्छे वेट की जोटी है भाई। ये कितने दिन की होगी भाई मात्र अभी उम्र की इसकी? 4 दांत हो चुकी है। तो बहने का क्या टाइम है इसका? 3 तारीख ना 10 पूरे हो जाएंगे। तो आप दिला के लाए थे भाई साहब इसको? हाँ जी भाई साहब। अच्छा, तो कितने रुपए की दिला के लाए थे सही बताना? ये कुल आई थी मात्र 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में? तो दोस्तों मैं युवा साथियों को यही सिखाना चाहता था, भाई ने ब्याज न कि 2-2.5-3 लाख की ब्याज खरीदी, इस कटड़ी को खरीदा और कटड़ी को तैयार किया और आज ब्याज के मुकाबले की ये जोटी तैयार हो चुकी है। तो ये सेल के लिए भी है भाई? सेल के लिए तो भाई साहब अभी तो कोई विचार नहीं, बाकी देख लेंगे। देख लेंगे रपि लगेंगे तो अगर कोई अच्छा बायर होगा तो देख। तो अच्छा बायर होगा, थोड़ा रेट का आइडिया दे दें तो ताकि वो बातचीत करता रहे। ये मान के चलो भाई साहब 4 लाख रुपए घर की जोटी की। तो 4 लाख क्यों, इतनी क्या उम्मीद रख रहे हो आप इससे भाई साहब? एक तो जोटी की बनावट, हाँ जी, एक ब्यूटी, हाँ, और मिल्क में भी ये मान के चलो भगवान यार बहुत बढ़िया लगेगी। क्या रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं इसकी मदर की? मदर का रिकॉर्ड भाई साहब ये मान के चलो आप, हम तो लेके आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ हम तो जो भाई बात पशु की जो बनावट है नीचे का देख रेख है पशु की, उसके हिसाब से आपने बताया। तो आप काफी एक्सपीरियंस वाले लगते हो, कितने दूध की उम्मीद है आपने इससे? कम से भी कम भाई साहब 15-16। 15-16? तो 15-16 किलो दूध तो चलो मान लिया दे देगी। तो 15-16 KG दूध देने के बाद आप 4 लाख की कैसे आप खुद लेओगे? देखो भाई ऐसा है, अगर पशु लाइन का है भाई, लाइन का नहीं। एक तो अब बात आप दूसरों की सुन के रेट मांग रहे हो ना, दूसरे की सुन के नहीं भाई साहब। तो 2.5 लाख रुपए जोटी के लाग लिए, 2.5 लाख रुपए लग चुके। तो एक देने का क्या बात होती है, रेट मांगना अलग। तो दोगे कितने? 4 लाख रुपए मांगते हो, 1.5 लाख फिरौती करते हो तो वह बात नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं भाई साहब नहीं। तो लेना देना अगले मान सम्मान बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, दिल खुश होकर कराएंगे। दिल खुश होकर। हाँ। करोगे तो बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई का हक है कि 4 मांगो 5 मांगो,
रेट 4 लाख रुपए अभी भाई ने फिलहाल किया है। और अगर जोटी की बात करूं तो भाई जोटी में देखो वैसे बहुत अच्छे ऑर्डर की निकल के आएगी, ये बात पक्की है। और सिंगों की अगर बनावट की बात करूं तो भाई बिल्कुल जो एक मुर्रा के क्वालिटी के जो सिंग होते हैं वो रिंग सिंग है बिल्कुल, और माथे का फेस भी बहुत अच्छा है। और चौड़ाई की बात करें तो भाई हाइट की भी और चौड़ाई काफी अच्छी हाइटों में पशु की गिनती कर सकते हैं। तो ले जाए भाई एक बार इसको। और एक और जो फर्स्ट टाइमर जोटी है भाई ने जो तैयार करी है वो भी कटड़ी पाली थी, उसको भी दिखाएंगे, आर्डर दिखाना एक बार। तो चाल देखे तो देखो हाथी जैसी चाल लिए हुए है जोटी भाई, और उम्मीद कर सकते हैं भाई ने जो हो सकता है कि 4 लाख का जो रेट रखा है हो सकता है उससे भी अच्छी बिक्री में आ भी जाए भाई, क्योंकि पशु को ब्याने के बाद ही पूरा पता चलता है डिटेल का। तो अभी इतने दिन पहले हम बोल नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। तो एक और जोटी है भाई जो ये भी फर्स्ट टाइमर है और काफी हैवी वेट की है, उससे भी हैवी वेट की और बड़ी शानदार पीठ पुट्ठे की क्वालिटी है जोटी में। रोकना भाई एक बार देखो, फर्स्ट टाइमर अभी ब्याने का टाइम कितना बाकी है वो भाई बताएगा, लेकिन अगर मैं थनों की क्वालिटी की बात दिखाऊं जोटी की भाई काफी अच्छी हाइट, कोई आम आदमी ये नहीं बता सकता कि ये फर्स्ट टाइमर ब्याएगी। अगर इसको आगे की साइड से देखें और शरीर की अगर इसकी बनावट देखें तो एक आम इंसान ये कहेगा, आम किसान ये कहेगा कि भाई दूसरे व्यात में होगी, लेकिन फर्स्ट टाइमर जोटी है भाई। और 4 दांत, एक बार दांत दिखा दो क्योंकि भाई। तो इसका ब्याने का कितना टाइम बाकी है भाई? इसके भाई साहब 15 दिन ऊपर हो लिए हैं, कदे बह जाओ आज या कल में। बिल्कुल भाई 4 दांत है, 4 दांत है भाई, 2 पूरे हो चुके हैं और चौथे भी पूरे हो ही रहे हैं, ये मानो चलो 1 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। 4 दांत है ठीक है। तो अभी इसका ब्याने का क्या टाइम है भाई? ब्याने का अनुमान लो भाई साहब आज या कल में, कदे बह जाओ आज या कल में, कदे बह जाओ। तो ये देखो भाई, मेरा युवा साथियों को दिखाने का मकसद ये था, इस जोटी को देखो भाई, सेल भाई ने करनी है, रुपये लगेंगे तो। लेकिन एक आप ये देख सकते हो, युवा पशुपालक साथी ने कटड़ी को खरीदा और कितना अच्छा इनको तैयार किया है, ये बात एक काबिले तारीफ है भाई की। और युवाओं को इससे जागरूकता मिलेगी कि एक युवा जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी अपने घर पे छोटी कटड़ी लेके ऐसा जो मुर्रा का धन प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि 3-4 लाख रुपए की हम भैंस खरीदें, लेकिन 50,000 की कटड़ी ला करके हम भी 5 लाख की उसको जोटी बना सकते हैं, ये बात निश्चित है। तो ये कितने रुपए की खरीदी थी भाई, छोटी खरीदी थी आप? ये घर की है भाई साहब। अच्छा ये घर की थी, ब्याज के साथ में ब्याज लेके आए थे, बाखड़ी लेके आए थे, बाखड़ी ब्याज लेके आए थे। कितने की लेके आए थे बाखड़ी ब्याज? 1 लाख रुपए की। कितने दूध की थी मेरा भाई? 14 किलो। थोड़ा तेज बोलिए भाई। बाखड़ी नीचे 14 किलो दूध था, बाखड़ी के नीचे 14 kg दूध था इसका। जब ये लेके आए 7-8 मंथ की कटड़ी थी। तो भाई जो कई साथी हैं बहुत अच्छे माँ उनको बाखड़ी ब्याज पालते हैं, उसका कारण ये है देखो, एक तो उसके कटड़ी तैयार होगी और वो भी मैं मानता हूँ कि 1 लाख रुपए की लेके आए थे तो 1 लाख रुपए से कम वो भी नहीं बेची होगी। कितने की वो बेच दी थी? 1,10,000 रुपए की। 1,10,000 की ब्याने की बात बेची? हाँ जी ब्याने की बात। ठीक, तो 1,10,000 की वो बेच दी और भाई नीचे भाई ने एक कटड़ी तैयार करके अपना, और उसकी एक कटड़ी और सेल कर दी भाई साहब, उसकी एक और कटड़ी। अच्छा 30,000 की वो कटड़ी सेल कर दी थी। 30,000 की? हाँ बहुत बढ़िया भाई, ले जाएं भाई, ले जाएं इसको भी। तो आप क्या क्या काम करते हो भाई साहब, कितने पढ़े लिखे आप? मैं भाई साहब 12th करके आई टेक्नीशियन का करने लगा हूं। 12th करके आई टेक्नीशियन फील्ड में हो जाऊंगे। अच्छा उसके बाद मैं VS का करने की सोच रहा हूँ। अभी कहाँ पर कर रहे हो? 3 महीने का कोर्स? 3 महीने का इशार अभी शुरू कर रखा है, स्टार्ट है। तो कोई आपसे सीख करके अगर उधर एडमिशन लेना चाहे तो क्या प्रक्रिया होती है उधर की? प्रक्रिया भाई साहब कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट लगने के बाद कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि भाई युवा ही करे। अच्छा आपकी उम्र के कोई भी कर सकता है। कितनी पढ़ाई होनी चाहिए उधर? 12th वाला हाँ, कोर्स करा देते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद VS के लिए क्या क्या पढ़ाई चाहिए? VS के लिए 12th पास चाहिए भाई साहब, साइंस। साइंस से? बायो से? बायो से। तो ये पढ़ाई है भाई, अगर कोई VLD या VS बनना चाहता है तो आपका पशुपालन में काफी रुचि है? बिल्कुल भाई साहब। आप अपने घर पे ही पशु रख रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितने दूध के रखे? एक तो सेकंड टाइमर है, 16+ चल रही है यूट्राइन इन्फेक्शन के बाद। अच्छा अच्छा हाँ। फर्स्ट टाइमर ने दिया था 14 किलो। 14 किलो फर्स्ट टाइमर ने। और एक है मेरे पास 16-17 किलो दूध। तो भाई आपने AI कभी का रिजल्ट लोगों से पता किया हो तो किस टाइप का रिजल्ट रहा है, कौन से अच्छा रहा? ये मान लो भाई साहब अभी तो फील्ड में मैंने 2 रिजल्ट लिए हैं। हाँ, एक तो अर्जुन का हाँ, कवर किया है हाँ,
और एक एबीसी सीमन वालों का। एबीसी का हाँ। तो कौन सा सीमन आप लोगों के है? दोनों में से कोई किसका अच्छा है? देखो मिल्क विद ब्यूटी का अगर आप बात करा हाँ तो अर्जुन का ठीक है। एबीसी के जो भी एआई करी थी उनके जो बच्चे हैं वे मिल्क में आए हैं अभी। मिल्क पे नहीं आए? नहीं आए। तो अर्जुन के कितने दूध की देखी आपने? अर्जुन की भाई साहब 14 की देख ली। फर्स्ट टाइमर 14 केजी की आपने देखी है? तो कितने केजी की माँ थी वह 14 केजी की? 14 केजी की माँ थी भाई साहब, ये मान कर चलो 16 किलो दूध की। 16 किलो दूध की थी। और एक देखी थी तो 15 की, उसकी माँ थी 22 किलो दूध की। तो फिर तो समझ लो ठीक ठाक 50% रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि 10 केजी वाली दूध के बैस के ऊपर आप क्रॉस करें और वो 12-13 केजी की फर्स्ट टाइमर आए तो हम उसको और भी अच्छा मानते। बिल्कुल भाई साहब, अगर आप ब्रीडिंग करा हाँ। देखो हाँ। ये मान के चलो आज के नु माने भाई, जो आज के लोग भी नु माने के भाई आप दूध बेचकर रुपया कमा लेंगे, दूध में रुपया नहीं है भाई, दूध में इस बैम ने निकाला जो रुपया है आज के दिन ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग में आने वाला टाइम हिसाब है, आज के जुगराज लोगों के पास घोड़े खड़े हैं, लाइन के घोड़े हैं, आने वाले टाइम में मैच लाइन की खड़ी होंगी, जिसके खूटे पे भी होंगी लाइन की होंगी, लाइन की। अगर जिसके पास लाइन की नहीं है उसका पशु नहीं रुकागा घर पर भाई, ना उसका पशु नहीं रख सकता, ना उसका बिक्री होगा, ना बिक्री होगा ना दूध बिकेगा उसका। इन मान का चलो आप बेचा हाथ दूध 14 किलो, एक आप 14 की रखा घर में, एक 22 की रखा, अब उससे दुगना प्रॉफिट ले सका। दुगना प्रॉफिट, बिल्कुल भाई साहब। तो बहुत बढ़िया बात बताई भाई। तो ये अभी दोनों जो प्रेग्नेंट है कौन से पुरुष हैं भाई? ये अपने गांव का पंचायती जुटा भाई साहब, गांव के पंचायती पुरुष हैं। तो इनका मतलब जो पीछे भी पंचायती की है या वैसे कोई सीमन पीछे का? तो ये भाई साहब एक तो बोल रहे हैं अर्जुन की है, पर आप तो अनोन समझांगे क्यों लेके आए? लेके आए हैं भाई, आप उस चीज का कंफर्म नहीं करते जब तक डीएनए नहीं हो लेता। अच्छा, दूसरी? दूसरी है भाई, दूसरी भी अनोन ही है। अनोन ही है, कहने का मतलब अभी क्लियर पता नहीं भाई कौन से बुल की है, लेकिन अभी जो क्रॉसिंग है वो पंचायती जोटे, पंचायती जोटे की। गांव का कैसा पंचायती जोटा? पंचायती जोटा ये मान के चलो भाई 17 केजी की तो मेरे पास खड़ी है उसकी कटड़ी। फर्स्ट टाइमर? थर्ड टाइमर है। थर्ड टाइमर ये मान लो 17-18 की आ वहाँ पीक पे, 17-18 के जी पीक पे आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा बुल है। कितने दूध की माँ का बेटा छोड़ रखा गाँव में? वो ये मान के चलो भाई साहब उसकी माँ 18-19 किलो, 18-19 की। तो 18-19 के जी दूध की माँ का अगर ओरिजिनल बेटा तो आप ये समझो भाई कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये साथियों, जो भी आप चयन करते हो सीमन का करो या डायरेक्ट क्रॉसिंग का, अच्छा सोच समझ के विचार के बाद ही आप उस सीमन का प्रयोग करोगे तो आप अच्छी लाइन बना सकते हो। और भाई ने एक कितनी अच्छी समझदारी वाली बात बताई है, आने वाले दिनों में एक ऐसा होगा किसी के पास, किसी फार्मर के पास, किसान पशुपालक के साथ अच्छी लाइन की अगर वैसे आपने रख रखी हो तो तभी आप बाजार में मार्केट में टिक पाओगे, अन्यथा नहीं। और उसी का प्रॉफिट ले सकते, प्रॉफिट ही नहीं है ऑनलाइन की, तो प्रॉफिट ही नहीं आने वाले टाइम। हाँ, ऑनलाइन की प्रॉफिट ही नहीं होगा, यानी कि ये मान के चलो अब हर चीज में महंगाई होगी, हर चीज में हर चीज डबल होगी है, इतनी महंगाई है कि भाई मान के चलो किसान तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये दोस्तों वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में बताते रहना, और भाई जो भी साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़ा है मैं अनुरोध करता हूँ भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और एक बार फोन नंबर अपना दुरा दे भाई, 9794-9251-21 74-9295-21। तो ये भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है भाई, जो भी साथी भाई से डायरेक्ट अपने बातचीत कर सकता है, बहने से पहले कोई खरीदना चाहता है या बहने के बाद। देखो दोस्तों मेरा प्रयास रहता है एक से एक अच्छा पशुधन दिखाया जाए, खरीदना आप लोगों ने है, बेचना भाई ने है, अपना बीच में कोई वो नहीं है, अपने खुद की तसल्ली करके ले। हो सकता है मैं कुछ जानकारी सही तरीके से न भी दे सकया हो, या मेरे को कोई चीज या कमी अच्छी न दिखाई दी हो, तो अपने पशु को ऑनलाइन की बजाय आप ग्राउंड पर आकर के उसको अच्छी तरह से देखभाल करके दूध निकाल करके उसके अच्छे जो भी आप क्वालिटी देखना चाहते हो वो देख करके और फिर पशु का लेन देन करें, और फिर भाई अपना जो भी भाई करते हैं उस हिसाब से अपना लेन देन करें। जय हिंद भाई। आप भी पशुधन रखते हैं? नौकरी नाकरी नहीं करी? ना भाई नौकरी नाकरी मिली नहीं फिलहाल, आप अपना काम करा हम ऐसा का खेती बाड़ी। क्या एक भैंस रखो भाई? दो भैंस है, एक कटिया तैयार करने लगा रहे हैं, इमरान नस्ल की कटिया। कौन से बुल की है भाई? बोलते जो सरकारी में मेडिकल में इसमें बीज धरवाया था कटिया का। अच्छा सी अच्छा रिजल्ट आ रहा है? अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जोकर डॉक्टर है मेडिकल से उसने चेक करवाई थी, वो बोला मुर्रा की है भाई। मुर्रा की बात सुन लो, मुर्रा तो हरियाणा में लगभग ही है भाई साहब। मैं आपने एक अच्छी बहुत अच्छी नॉलेज की बात बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी, कई भाई का जोकर लाल मोरिया के बैम बाट रखे। हाँ वो बात बता रहे के बैम बाट रखे के भाई
मुर्रा है। हाँ। ये महंगे खुटे बंद का मुर्रा हो जाए है और अपने खुटे में मुर्रा नहीं है। हाँ, नहीं। आम देशी मैस को आवे है। हाँ। और सच्चाई तो यह है भाई साहब, असल ब्रीडर तो जमींदार है, असल ब्रीडर जमींदार है, हर घर में मुर्रा है, हर घर में जिसकी अच्छी दूध निकालती है वो मुर्रा। गए टेम पर न्यू कह दिया रहते भाई मैस किसी बोला रोहतक पास, रोहतक तो भाई साहब गढ़ है, न्यू मान के चलो अब मुर्रा का गढ़ था गए टेम पर, आज तो ये मान के चलो मैस आंध्र की हरियाणा में, हरियाणा की पंजाब में, पंजाब की हरियाणा में, सही बात ये हो रही है इस टाइप की। ते मुर्रा का तो भाई साहब लोगों ने बहम पाल रखा, सबके फूटे मुर्रा है, एक अच्छा सीमेंट टकवाओ, अच्छी ब्रीड ले लो, अच्छी क्वालिटी वो करो, इनकम होगी, दूध तो इनकम होगी, एक पशु बेचोगे काटड़ू बेचोगे, एक्स्ट्रा इनकम लेनी है तो ब्रीडिंग पर काम करो। तो आई कितने पशु रखते हो भाई आप? भाई दो है। दो है, कितना दूध घर पे ही बिक्री करते हो या ना, घर का ही अपने आप बिक्री भी करते हो या घर पे बिलोते हो? कितना घी कर लेते हो इकट्ठा भाई? नो लगा लिए 14-15 किलो दूध देवे है, उस हिसाब से देख लो आप कितना घी हो जाता होगा महीने का, कितना आ गए महीने का हो जाता होगा 7-8 किलो के बाह घी का। हजार ग्यारह से भी दे दे देसी घी का ये रेट है। तो आपने हाईएस्ट कितने दूध का खुद जो भैंस पाली है भाई? मैंने हाईएस्ट 15 की पाली। और आपका गांव में कितने रुपए की बिकी है जी? ज्यादा सवा चार लाख की बिकी थी। और फर्स्ट टाइमर थी सेकंड टाइमर? फर्स्ट टाइमर थी। कितने दूध था ये मान के चलो? प्रेगनेंट ही गई थी वो, प्रेगनेंट शायद 2 या 3 दिन की ब्याज भी हुई थी, दो या तीन दिन की ब्याज थी वो। विद्यानंद पहलवान भाई बहुत अच्छे इधर के वो हैं, पशुपालक और अच्छे अच्छे ब्रीड के ऊपर काम भी करते हैं। तो आप जी भाई साहब अपना कृष्ण, तो खेती बाड़ी करते हो आप भी? आपने पढ़ाई करी आपने भी? 10th पास। तो पढ़ाई सभी इधर लगभग 10वीं 12वीं पढ़ाई में रुचि कम है युवाओं की? पढ़ाई में ये मान कर चलो भाई साहब अगर पढ़ाई कराई भी वही बात से बालक चले जा। हाँ। हालांकि नौकरी तो मिल नहीं रही, अगर पढ़ाई करके फैक्ट्री में जावा तो उस तो बढ़िया, तो मैं कहूंगा 2 मैस बांध लो, किसी की तरह काम ना करना पड़ेगा। ठीक बात है।